मैं पूनम जांगड़ा, मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीके से फोल लगाना बताने जा रही हूँ। ये हमारे फोल हैं। फोल की दोनों तरफ किनारियाँ होती हैं। सबसे पहले हम फोल को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे। चाहे तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं और सिलाई नहीं लगा कर आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं उल्टी तरफ। अब ये हमारी साड़ी है और साड़ी में हमारा ये डिजाइन दिया हुआ है कटाऊ का। अब हम फोल को लगाएंगे। यहाँ से हम ये वाला हिस्सा हम पिको के लिए छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि हमारी तिरछी है तो हमारी ये कटिंग हो जाएगी इसमें। और यहाँ से हम एक ब्लाउन नाप कर हम यहाँ से फोल स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारा कटाऊ दिया है इसको हम थोड़ा सा तिरछा करते हुए ऐसे और फोल लगाते चले जाएंगे। अब हम फोल लगाते हैं। ये हमारी फोल है। फोल को हमेशा उल्टी तरफ यानी कि आपके बाहर की तरफ होनी चाहिए। ये हमारी फोल है। यहां से हम फोल लगाना शुरू करेंगे। ये हमारा सिंगल धागा है और हमेशा पैता पीछे से लेना चाहिए क्योंकि हमारी जो फोल है जल्दी घुटती नहीं है और बिछड़े में भी नहीं अटकती है। चलते समय हमारी जो है पीछे में अटक जाती है और दोनों बारी खुल जाती है, इसलिए हम बहुत ध्यान रखने लगे सिंगल धागे से लगाते हुए बारी बारी काटे। ये हमारा फोल ऐसे छा गया है। हम इसको थोड़ा सा पीछा करते हुए फोल को इस तरह की करके ऐसे लगाए। ये हमारा अंदर की तरफ ऐसे करके इसको बहुत ही आसान तरीके से डिजाइन वाला हिस्सा हमारा कटाव अंदर चला गया। ये कटाव बाहर की तरफ है और ये फोल हमारी ये बाहर की तरफ दिखाई देगी। और इसको हम जैसे डिजाइन दिया हुआ है फोल भी हमें ऐसे ही लगानी है। धीरे धीरे फोल को ऐसे ही लगाते जाना। बोलो जल्दी। ये अब हमारी फोल पूरी हो गई है। जब हमारी किनारी पे आ जाए तो हम थोड़ा सा इसको देखते हुए कटाव के जो वर्क हमारा दिया हुआ है बस और यहाँ पर ही हम इसमें को ऐसे लगाकर छोड़ देंगे। अब हम इसको ये हमारी फोल हो गई है नीचे से तैयार। अब हम इसको ऊपर के लिए अब हम इसमें कच्चा करेंगे ताकि हमारी सफाई से फोल लग जाए। बहुत सी साड़ियों में क्या होता है हमें नीचे की फोल दिखाई नहीं देती है। अब इसमें हमें साफ दिखाई दे रही है। बहुत सी साड़ियों में क्या होता है हमें ये फोल दिखाई नहीं देती है। अब ये हमारी फोल बिल्कुल साफ से दिखाई दे रही है। अब इस पे हम यहाँ से कच्चा करेंगे, एक फोल और लेंगे उसमें धागा डाल के कच्चा करेंगे। जितना बारीक कच्चा तैयार जाएगा उतने ही हमारी फोल अच्छे से लगेगी और ना ही हमारी फोल में झोल आएगा और सफाई से फोल लग जाएगी। अब हम इसको अब ये हमारा सारा कच्चा हो गया है। ये अब हमारी साड़ी में कहीं पर भी झोल नहीं आया है। बहुत ही सफाई से फोल लगेगी हमारी जब हम अच्छे से कच्चा कर लेंगे तो हमारी इसमें झोल नहीं आता है। ये देखो अब हमारी साड़ी कच्चा हो गया है। कच्चा करने के बाद जहाँ पर हमने सुई छोड़ दी है हम उसको पूरा करेंगे। ये हमने यहाँ पर सुई छोड़ी थी और इसको यहीं से ही हम पीछे से टका लेंगे ऐसे बिल्कुल ही बारीक पीछे से। इसको हम ऐसे करते हुए और इसको हम बहुत ही बारीक टकों से इसको मोड़ देंगे और बहुत ही सफाई से हमारी फोल तैयार। और धीरे बोल लो और धीरे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सुनने में दिक्कत आएगी मेरे को नहीं आएगी, बाद में बोलना है इसमें खुद से ये नहीं आएगी। ये हमारी फोल तैयार हुई है अच्छे से लग चुकी है। ऐसे ही हम आसानी से फोल लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे। ये हमारी बंद हो गई है। अब इसको हम कच्चा खोल देंगे। ये हमारी आसानी से फोल लग जाते हैं जब हम कच्चा कर लेते हैं तो। और अगर जो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट
और सब्सक्राइब जरूर।